हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 7 का 8 चैप्टर है, अष्टमा पाठ, आठवां पाठ, त्रिवर्ण ध्वजा, तिरंगा झंडा। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमारा जो तिरंगा झंडा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आप, केचन बालका, कुछ बालक लड़के, बहुवचन में लगाए कि कुछ लड़के, काश्चन बालिकाश्च और कुछ लड़कियां, स्वतंत्रता दिवस से, स्वतंत्रता दिवस के, ध्वजा आरोहण समारोह है, झंडा फहराने के समारोह में। ध्वजा आरोहण क्या होता है, जब झंडे को फहराया जाता है, तो ध्वजा आरोहण समारोह में सो उत्साहम, उत्साह सहित गच्छन्त, जाते हुए परस्परम, आपस में सलमपंती बातचीत करते हैं। तो कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के ध्वजा आरोहण समारोह में उत्साह सहित जाते हुए आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है, तो कुछ स्कूल के उनके कुछ बच्चे या कुछ लड़के और लड़कियां कहाँ जा रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजा आरोहण समारोह में, और आपस में वो बातचीत करते हैं। तो क्या बातचीत करते हैं, देखिए उनमें एक देवेश लड़का है, वो बोलता है कि देवेश बोलता है, अध्ये स्वतंत्रता दिवस, अध्ये होता है आज, कि आज स्वतंत्रता दिवस है। फिर अस्माकं विद्यालय से प्राचार्य ध्वजा आरोहण करिष्यति, हमारे, अस्माकं हो गया हमारे, विद्यालय से, विद्यालय के प्राचार्य, प्राचार्य कौन होते, प्रधानाचार्य, ध्वजा आरोहणम, झंडे का आरोहण मतलब झंडे को फहराएंगे, करिष्यति करेंगे, ध्वजा आरोहण करिष्यति मतलब झंडे को फहराएंगे। तो हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्वजा आरोहण करेंगे या झंडे को फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, कि चौथा और कि और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे, कि और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे, कल्चरल एक्टिविटीज होती है। अंते चो मोदकानी मिलिष्यन्ति, अंते अंत में चो होता है और मोदकानी, मोदक क्या होता है, लड्डू, मोदकानी बहुत सारे लड्डू, बहुवचन में लगाए कि लड्डू, मिलिष्यन्ति मिलेंगे, कि और अंत में लड्डू मिलेंगे। फिर डेविड बोलता है कि शुचे जाना से तुम अस्माकं ध्वज की दृश्य, कि है शुचि जाना से तुम, कि क्या तुम जानती हो अस्माकं ध्वज, हमारा झंडा की दृश्य होता कैसा है, कि डेविड पूछता है कि शुचि कि क्या तुम जानती हो कि हमारा झंडा कैसा है। फिर शुचि बोलती है, अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्ण इति, कि हमारे देश से, देश का, देखो षष्ठी विभक्ति लगी यहाँ, जहाँ बोला था मैंने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है, का के की में, संबंधवाचक में, कि हमारे झंडे, सॉरी हमारे देश का झंडा तिरंगा है, त्रिवर्ण मतलब तीन रंगों वाला। सूची बोलती है, हमारे देश का झंडा तिरंगा है। फिर सलीम पूछता है कि रुचे अयम त्रिवर्ण कथम, कि है रुचि यह तिरंगा कैसे, कि क्यों उसको तिरंगा बोलते हैं। ठीक है, सलीम का कहना है कि यह तिरंगा कैसे हुआ। तो रुचि बोलती है, अस्मिन ध्वजे त्रय वर्ण सन्ति अथ त्रिवर्ण, अस्मिन ध्वजे इस झंडे में त्रय वर्ण तीन रंग सन्ति है, अथ इसलिए त्रिवर्ण तिरंगा। तो रुचि बोलती है, इस झंडे में तीन रंग है इसलिए तिरंगा हुआ, या इसलिए तिरंगा। किम तुम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, किम होता है क्या, तुम एतेषां वर्णानां, इन वर्णों के या इन रंगों के नामानि जानासि, नाम को जानती हो। रुचि ने फिर क्वेश्चन किया है कि क्या तुम इन रंगों के, या क्या तुम इन रंगों के नाम को जानते हो। फिर सलीम बोलता है कि अरे केशर वर्ण की केसरिया रंग, श्वेत सफेद, हरित और हरा, चौथा और हरित हो गया हरा, एते त्रय वर्णा, ये तीन
रंग है। तो सलीम बोलता है कि अरे केसरिया, सफेद, हरा, ये तीन रंग है, ये तीन रंग होते हैं ना हमारे झंडे में। फिर देवेश बोलता है अस्माकम ध्वजे एते त्रय वर्णा किम सूचयन्ति, अस्माकम ध्वजे हमारे झंडे में एते त्रय वर्णा यह तीन रंग किम सूचयन्ति क्या सूचना देते हैं या क्या बताते हैं। देवेश बोलता है हमारे झंडे में ये तीन रंग क्या सूचना देते हैं या क्या प्रदर्शित करते हैं। फिर सलीम बोलता है श्रुणु कि सुनो, केसर वर्ण कि केसरिया रंग शौर्य से वीरता का, श्वेत सत्य से सफेद रंग सत्य का, हरित हरितश्च और हरा समृद्धि सूचक संति समृद्धि का सूचक है। तो सलीम बोलता है कि सुनो, केसरी रंग वीरता का, सफेद रंग सत्य का और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। फिर सूचि बोलती है कि किम एतेषां वर्णानाम अन्यद अपि महत्वम, किम होता क्या एतेषां वर्णानाम इन रंगों का अन्यत अपि दूसरा भी महत्व है। तो सूचि बोलती है क्या इन रंगों का दूसरा भी महत्व है या क्या जो ये तीन रंग है इनका कोई और भी महत्व है, ऐसा कौन पूछ रही है सूचि। फिर डेविड बोलता है आम कि हाँ कथम न क्यों नहीं, ध्वज से उपरी स्थित केसर वर्ण त्याग से उत्साह से च सूचक कि ध्वज मतलब झंडे के ऊपरी स्थित ऊपर में स्थित केसर वर्ण केसरिया रंग त्याग से उत्साह से त्याग और उत्साह का चौग्य और सूचक है। डेविड बोलता है हाँ क्यों नहीं, झंडे के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग और उत्सव का सॉरी त्याग और उत्साह का सूचक है। फिर मध्य स्थित की बीच में स्थित श्वेत वर्ण सफेद रंग सात्विकताया शुचिताया च द्योतको, सात्विकता और शुचिताया मतलब पवित्रता का च होता है और द्योतक भी सूचक ही होता है कि मध्य में स्थित या बीच में स्थित सफेद रंग सात्विकता और पवित्रता का सूचक है। अधस्थित हरित वर्ण कि नीचे स्थित हरा रंग वसुंधराया सुषमाया उर्वरताया च द्योतक कि नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुंदरता और उर्वरता का सूचक है। उर्वरता मतलब उपजाऊपन जो होता है कि नीचे स्थित हरा रंग धरती की सुंदरता और उर्वरता का सूचक है। फिर तेजिंद्र बोलता है कि सूचे कि है सूचे ध्वज से मध्य एकम नील वर्णम चक्रम वर्तते कि है सूचि, ध्वज से मध्य झंडे के बीच में एकम नील वर्णम चक्रम वर्तते एक नीले रंग का चक्र है। तो सूचि झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है, वो तेजिंदर पूछ रहा है। तो सूचि बोलती है आम आम कि हाँ हाँ इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसको इदम हो गया यह अशोक चक्रम अशोक चक्र कथ्यते कहा जाता है, यह अशोक चक्र कहा जाता है या इसको अशोक चक्र भी कहते हैं। एतत प्रगते न्यायसे च प्रवर्तकम, एतत यह प्रगते प्रगति न्यायसे न्याय का चौग्य और प्रवर्तक सूचक कि यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है या यह प्रगति और न्याय का सूचक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति कि सारनाथ में अशोक का स्तंभ है, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात एव एतत गृहीतम, तस्मात उससे एव होता ही एतत हो गया यह गृहीतम ग्रहण किया गया है, उससे ही यह ग्रहण किया गया है। फिर प्रणव बोलता है अस्मिन चक्रे चतुर्विंशति अरा संति, प्रणव बोलता है अस्मिन चक्रे इस चक्र में चतुर्विंशति होता है 24 अरा संति, अरा होती है तीलियां उसमें चक्र में है। प्रणव बोलता है कि अस्मिन चक्रे इस चक्र में 24 तीलियां हैं। फिर आगे मेरी बोलती है भारतस्य
संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समर्गत्या अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। कि भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 में समर्गत्या पूर्ण रूप से अस्य ध्वजस्य इस झंडे का स्वीकरणं स्वीकार जातम हुआ, या यह झंडा स्वीकार हुआ। तो मेरी बोलती है कि भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 में संपूर्ण रूप से इस झंडे को स्वीकार किया गया। फिर तेजिंदर बोलती है, अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक। कि हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र के गौरव का सूचक है। हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता होती स्वतंत्रता, कि हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस से च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वक भवति। कि अतः इसलिए एव होता ही स्वतंत्रता दिवस से, स्वतंत्रता के दिवस से या स्वतंत्रता के दिन में और गणतंत्र के दिन में चौहत्या और अस्सी ध्वज से इस झंडे का उत्तोलन होता फेराना या ऊपर उठाना फेराना समारोह पूर्वक भवती होता है। कि इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में इस झंडे का उत्तोलन समारोह होता है, या इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन इस झंडे को फहराया जाता है। फिर जयतु त्रिवर्ण ध्वज जयतु भारतम। कि तिरंगे झंडे की जय हो और भारत की जय हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।